हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ऑलमोस्ट उस चैप्टर को कंप्लीट करके मैं आपकी बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट करूंगी और साथ ही मैं आपका क्रैश कोर्स भी स्टार्ट करूंगी, क्योंकि आपका केमिस्ट्री हाफ ईयरली का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो जैसे वो चैप्टर ऑलमोस्ट कम देखिए, वैसे तो मैंने वो कंप्लीट करवा ही दिया है, बट थोड़ा सा उसमें कंटेंट बचा है, वो भी मैं जल्दी से कंप्लीट करके और आपका क्रैश कोर्स उसका स्टार्ट करूंगी, ठीक है? जिससे एक दिन में आप कंप्लीट केमिस्ट्री का रिवीजन कर सके। वो आपकी 3 to 4 आवर की क्लास होगी और सिर्फ 3 आवर्स में आप कंप्लीट केमिस्ट्री प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें आपकी मैं हर एक छोटी से छोटी चीज भी कवर करवाऊंगी। और जैसा मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था कि बायोलॉजी स्टार्ट करूंगी, तो आज मैं आपका बायो का सेशन भी स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसमें भी बेटा सेम प्रोसेस, मैं आपका पहले हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी, देन आफ्टर क्रैश कोर्स, ठीक है? आई होप यू विल एंजॉय दिस सीरीज एज वेल। आपको मजा आए, समझ में आए, और मुझे पता है आपको मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। बेटा, आप मुझे कमेंट करते हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और मुझे मोटिवेशन भी मिलता है, ठीक है? सो डू कमेंट ताकि मुझे अच्छा लगे, एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। चले आगे, चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। द चैप्टर नंबर 1 इज लाइफ प्रोसेसेस। जब हम लाइफ प्रोसेसेस की बात करते हैं तो वो होती क्या है? देखिए बेटा, जब आप पूरे लिविंग वर्ल्ड को, मतलब या तो ये कह लीजिए आप अपने अर्थ पे जो ऑर्गेनिज्म देखते हैं, वो 2 टाइप के मिलते हैं, या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं या फिर आपको नॉन लिविंग मिलते हैं, ठीक है? लिविंग थिंग्स में आप बात करते हो, जितने भी आप, जैसे बैक्टीरिया है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, फंगी हैं, ये सारे आपके क्या होते हैं? लिविंग बींग्स। और जैसे आपका सनलाइट है, आपकी गैसेस हैं, एयर है, वाटर है, ये सब आपकी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है? जब आपने लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस देखा था, तो वहां पे आपको पता था कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं बेटा, वो लोकोमोशन शो करती हैं। लोकोमोशन क्या होता है? कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लोकोमोशन, ठीक है? जितने भी आपके एनिमल्स होंगे बेटा, वो लोकोमोशन शो करेंगे। लोकोमोशन शो क्यों करते हैं? ताकि उन्हें शेल्टर मिल सके, उनको फूड मिल सके, ठीक है, उनको सेफ्टी सेफ्टी मिल सके, और साथ ही साथ वो रिप्रोड्यूस कर सके, इस चीज के लिए वो लोकोमोशन शो करते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो लोकोमोशन शो नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट शो करते हैं। क्लियर? जितने मूवमेंट, ये इसके बारे में आगे और डिटेल में डिस्कस करूंगी, बट पहले हम ये देख लेते हैं कि लिविंग बींग्स में किन किन चीजों की, किन किन प्रोसेसेस की जरूरत होती है, या फिर कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनको वो नॉन लिविंग थिंग्स से अलग करती हैं। लिविंग बींग्स को फूड की जरूरत होती है, वो रेस्पिरेशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, रेस्पिरेशन। देखिए, फूड की रिक्वायरमेंट होती है, ये तो आपको पता है, क्योंकि फूड जो रहता है एज अ फ्यूल काम करता है हमारी बॉडी में। रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन क्या होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारी बॉडी में जो फूड, जो कि केमिकल के फॉर्म में, दैट इज योर ग्लूकोज के फॉर्म में जो स्टोर रहता है, या डाइजेशन के बाद जो ग्लूकोज बनता है, उसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करके लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है बेटा? कि आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, दे प्रोड्यूस देयर यंग वंस, अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। न्यूट्रिशन की बात करें, फूड को इनटेक करना, उसको डाइजेशन करना, उसके डाइजेशन के बाद उसका इस्तेमाल करना, दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, जैसे आपको अभी आपका दोस्त सुई पिंच कर दे, है सुई चुबा दे, या फिर आपको आपकी आंखों पे बहुत तेजी से लाइट डाल दी जाए तो एकदम आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, या फिर आपके हाथ के पास थोड़ा सा कोई गर्म चीज लेके आई जाए तो आप अपने हाथ को हटा लोगे। तो ये सब क्या है? आप रिस्पॉन्स कर रहे हो स्टिमुलस के। हीट हुआ, टेम्परेचर हुआ, या फिर लाइट हुई, ये सब क्या है? आपके स्टिमुलस होते हैं, ठीक है? और आप इनको रिस्पॉन्ड कर रहे हो। उसी तरीके से प्लांट भी रिस्पॉन्स करते हैं। कैसे? आपने टच मी नॉट प्लांट देखा है, मिमोसा प्लांट, अगर आप उसको टच करते हो तो देखते हो ना, उसकी लीफ आपस में क्या हो जाती है, एकदम चिपक जाती है, क्लोज हो जाती है। तो आपके जो प्लांट्स होते हैं वो भी रिस्पॉन्स करते हैं। नेक्स्ट इज ग्रोथ। जैसे हम हैं, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, या फिर आपके कोई भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे आप एनिमल्स की बात करो, चाहे आप प्लांट्स की बात करो, इनमें ग्रोथ होती है। प्लांट और एनिमल्स में इसमें डिफरेंस होता है। प्लांट जो रहते हैं वो थ्रू आउट द लाइफ बढ़ते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो एक सर्टेन टाइम पीरियड तक बढ़ते हैं। देन वही हम बात करें लाइफ स्पेन।
हर किसी के फिक्स्ड लाइफ स्पैन है, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है बेटा, कि हमारी बॉडी में जो डिफरेंट डिफरेंट बायोकेमिकल साइकिल्स होते हैं, या फिर ये कह लीजिए बहुत सारी जो प्रोसेसेस चल रही होती हैं बायोकेमिकल प्रोसेसेस, उनमें ढेर सारा वेस्ट बनता है। अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो देखिए, आप यूरिन पास करते हैं या फिर डाइजेशन के बाद जो फूड बना है उसको बॉडी से निकाल रहे होते हैं, ये पूरी जो प्रोसेस होती है इसको कहते हैं हम एक्सक्रीशन। ठीक है, तो जितने भी आपके बायोकेमिकल जो वेस्ट बने हैं उनको बॉडी से बाहर करने की जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। डन, बात समझ में आई? ये सारी ऐसे डिफरेंसेस हैं जो हमें किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से या नॉन लिविंग थिंग से अलग करते हैं। ठीक है, अब एक चीज याद रखिए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं बेटा, वो इस अर्थ पर खुद को सरवाइव करने के लिए उनकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस चल रही होती हैं, बहुत सारे बेसिक फंक्शंस चल रहे होते हैं, या बहुत सारे बेसिक फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं, इन सारे फंक्शंस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। देन इसमें न्यूट्रिशन आता है, रेस्पिरेशन आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, एक्सक्रीशन आता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आता है, ग्रोथ आती है, मूवमेंट आती है, रिप्रोडक्शन आता है। ठीक है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट बेटा दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। लोकोमोशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म वन प्लेस से अनदर प्लेस पे मूव करता है ड्यू टू वेरियस रीजंस। ठीक है, जबकि जैसे मूवमेंट की बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने आर्म को फोल्ड किया, ठीक है, मिमोसा प्लांट ने अपनी लीफ को क्लोज किया, ठीक है, वहीं हम सनफ्लावर जो रहता है वो धीरे धीरे सन की तरफ मूव कर रहा है, तो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं ये कहलाती हैं आपकी मूवमेंट। बात समझ में आई? तो हमने लोकोमोशन देखा एंड मूवमेंट देखा और इनमें डिफरेंस देखा, और हमें क्या पता चला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इस अर्थ पर अपने सर्वाइवल के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं, या अपने बॉडी में ढेर सारी प्रोसेसेस कर रहे होते हैं जिनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें न्यूट्रिशन आएगा, रेस्पिरेशन आएगा, ट्रांसपोर्टेशन आएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आएगा, ठीक है, ग्रोथ आएगी, रिप्रोडक्शन आएगा, यही सारी चीजें हैं जो हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट देखिए, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हो रही हैं उन सब में आपको एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, चाहे आप वो रिप्रोडक्शन करना चाहते हो, चाहे आप न्यूट्रिशन को इधर उधर से ट्रांसपोर्टेशन करना चाहते हो, ठीक है, चाहे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, इन सारी प्रोसेसेस को करने के लिए हमारी बॉडी में एनर्जी की जरूरत होती है, और ये जो एनर्जी होती है ये हमें फूड से मिलती है। फूड हमारे लिए एज अ फ्यूल काम करता है, फ्यूल मीन्स जो हमारे लिए एनर्जी प्रोवाइडर का काम करता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा उनको फूड की जरूरत क्यों है, क्योंकि यही फूड जो रहता है वो फ्यूल का काम करेगा, और यही फ्यूल किन चीजों के लिए जरूरी है, जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हो रही हैं उनके लिए। ठीक है, बात समझ में आई? इधर समझ में आ रही है बेटा? चलिए एक चीज मैं आपके बिल्कुल बहुत अच्छे से समझना जो मैं आगे आपको बताने जा रही हूं। देखिए बेटा, हमें एनर्जी कहां से मिली अल्टीमेटली आपके, हम क्योंकि हम ओमनीवोर हैं, हम दोनों चीजों को खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या, देखो अल्टीमेटली चाहे एनिमल की बात करो चाहे हमारी बात करो, वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे। प्लांट्स को, प्लांट्स के पास ये एनर्जी कहाँ से आई, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में हम सोलार एनर्जी को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में यूज कर रहे होते हैं, और हम इसी केमिकल एनर्जी को अपनी बॉडी में ले जाके रेस्पिरेशन के थ्रू यूटिलाइज करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, हमारी बॉडी में या हम जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, हमारी बॉडी में जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं उसके लिए जो अल्टीमेट एनर्जी है वो कहाँ से मिल रही है हमें, सन से। यानी कि हम सन को ये कह सकते हैं कि ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है। समझ में आई बुद्धू राम? चलिए आगे बढ़ते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज दिस केमिकल एनर्जी फॉर कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। इसी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस के लिए। दे गेट केमिकल एनर्जी फ्रॉम द फूड थ्रू द केमिकल रिएक्शंस। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे पास जो ये एनर्जी होती है हम फूड के रेस्पिरेशन के थ्रू इसको लेते हैं। डन, आगे चलें।
चलिए नेक्स्ट आ रहा है बेटा न्यूट्रिशन। अब हम वन बाय वन करके सारे इनकी बात करेंगे। फर्स्ट आ रहा है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? फूड को इनटेक करना और उसका यूटिलाइजेशन करना, दिस इज नोन एज न्यूट्रिशन। देखिए न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर आर टेकन एज फूड एंड दे आर यूटिलाइज फॉर द न्यूट्रिएंट। ठीक है, मतलब कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म है इस न्यूट्रिएंट का इनटेक करेगा और इनका यूटिलाइजेशन करेगा। ठीक है, दिस इज नोन एज न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि न्यूट्रिएंट का इनटेक करेगा। अब न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइन एज द सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड यूज इट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी और फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ देयर बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट। बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब हम उनके टिश्यू या ऑर्गन बनाने के लिए या ऑर्गन्स का रिपेयर करने के लिए जिन न्यूट्रिएंट की जिन ये कह लीजिए सब्सटेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट। इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट्स आता है, फैट्स आता है, प्रोटीन्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, तो ये यूज़ किस लिए हो रही बेटा? टिश्यू और ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए या फिर उनके सिंथेसिस के लिए। बात समझ में आई? देखिए यहाँ पे भी मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आपके क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स हैं। बेटा मैंने ये बुक से ही लाइंस उठाई हैं, आप चाहो तो बुक में एकदम चेक कर सकते हो। मैं बुक से पढ़ाना चाहती थी बट जो मैंने बुक डाउनलोड करी थी वो बेटा सही नहीं थी, उसमें जो पिक्स हैं वो इधर उधर थी, इसीलिए मुझे पीडीएफ ये पीपीटीज का सहारा लेना पड़ा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना, अपना फूड किस तरीके से ऑब्टेन कर रहा है। ठीक है, देखिए द मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड और ऑब्टेनिंग फूड, या तो फूड को प्रोड्यूस करना या उसको ऑब्टेन करना, ये जो प्रोसेस रहती है इसको हम क्या बोलते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किस तरीके से अपने फूड को ले रहा है, वो खुद बना रहा है या किसी दूसरे से ले रहा है, इसी के बेसिस पे कि वो खुद बना रहा है या दूसरों से ले रहा है, इसके बेसिस पे हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक, देखिए ऑटो, ऑटो का मतलब होता है खुद, ट्रॉपिक मतलब फूड, ऐसा न्यूट्रिशन जो अपना फूड जो रहता है वो खुद सिंथेसाइज करता है, इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जितने भी आपके प्लांट्स हैं ये ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रो मींस दूसरों पे डिपेंड करना, ट्रॉपिक मींस फूड, मतलब फूड के लिए हम दूसरों पे डिपेंड कर रहे होते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं इस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो रहता है उसको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। गॉट इट? समझ में आया तो राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। बाय द वे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? देखिए जिसमें आपका कोई ऑर्गेनिज्म है वो मेक्स और सिंथेसाइज इट्स ओन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। मींस यूज किसका करेगा? इनऑर्गेनिक मटेरियल जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये अपने सराउंडिंग से लेगा और साथ ही साथ सनलाइट, जो सन की एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उसको ये अलग फॉर्म में सिंथेसाइज कर देगा। ठीक है, वैसे मैंने इस ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया नहीं है, मैं आगे जाके जब प्लांट में न्यूट्रिशन की बात करूंगी बेटा वहां पे मैं इसको और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। बस ये बात याद रखिए कि जितने भी आपके ग्रीन प्लांट्स हैं ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं। कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे हैं जिनमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाता है, समझ में आया? क्योंकि वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। ठीक है, तो फिर से देखिए रिवाइज करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड ऑन इट्स ओन बाय यूजिंग सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर विच इज प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। I hope it is clear.
समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ग्रीन प्लांट्स, उनके पास क्या रहता है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मीन्स जितने भी ग्रीन प्लांट होंगे वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑल्सो ऑब्टेन देयर फूड बाय ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर ऑल्सो ऑटोट्रॉप्स। कुछ बैक्टीरिया हैं जिनको आप ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहते हैं, इनको आप क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसको आप क्लोरोफिल कहते हो ये कंटेन करते हैं, जिसकी वजह से वो कैपेबल होते हैं ताकि वो सनलाइट को ट्रैप कर सके। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बेटा ये क्लोरोफिल ही होता है जो सनलाइट को ट्रैप करके जो आपका वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूल है, उसको ब्रेक करने का काम करते हैं। और इस वाटर के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन जो रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें जो ऑक्सीजन बचती है वाटर के मॉलिक्यूल में वो एज अ वेस्ट स्ट्रोमेटा से बाहर निकल जाती है। आगे चलें, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड सिंथेसाइज नहीं करता है, ठीक है? ये सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का इस्तेमाल नहीं करेगा, जबकि ये अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ठीक है? जितने भी आपके एनिमल्स हैं उन सब में हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाता है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया एंड फंगी आल्सो हैव हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बहुत सारे फंगी और बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखें, द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे आपके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर थे, उनके उनसे अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते, बल्कि वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए? अदर एनिमल्स और प्लांट्स। सच टाइप ऑफ एनिमल्स और सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नोन एज हेटरोट्रॉप्स, या फिर इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देन आगे देखिए, देखिए हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है वो फर्दर आपके थ्री टाइप का होता है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है? चलिए चेक करते हैं वन बाय वन करके ये क्या होते हैं। सेप्रोवर्ड, देखिए सेप्रोवर्ड का मतलब होता है रॉटन फॉर्म, यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें आप किसी सड़ रही या गल रही चीजों से अपना मोड ऑफ मतलब अपना न्यूट्रिएंट ले रहे होते हैं, अपना न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं। इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक, जिसमें पैरासाइट होंगे। पैरासाइट क्या होते हैं? जो आपके स्मॉल ऑर्गेनिज्म अगर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह रहा है, तो इस टाइप का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको हम बोलते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो रहेगा उसको हम गेस्ट बोलेंगे, और जिसके ऊपर रहेगा उसको हम होस्ट बोलेंगे। होलोजोइक, होलो, होलो वर्ड का मतलब क्या होता है? होल, होल मीन्स सॉलिड, ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन जिसमें आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो सॉलिड फॉर्म ऑफ फूड को ले रहा है, उसको डाइजेस्ट कर रहा है, डाइजेस्ट करके वेस्ट को बॉडी से बाहर कर रहा है, इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम बोलते हैं होलोजोइक, जिसमें हम एग्जांपल आते हैं, ठीक है? जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं। चलिए आगे बन बन करके देखते हैं। फर्स्ट आ रहा है आपका सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में क्या इंक्लूड हो सकता है? आपके प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, या फिर रोटन ब्रीड कोई भी हो सकता है, कुछ भी आपका, लेकिन कैसा होना चाहिए? ऑर्गेनिक होना चाहिए। इट कुड बी प्लांट, एनिमल, और एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट, जस्ट लाइक दैट। सेप्रोवर्ड का मतलब होता है रोटन, रोटन मीन सड़ा हुआ, किसका बेटा? डेड और डिकेइंग मटेरियल का, बट वो कैसा होना चाहिए? ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, ठीक है? मीन सेप्रोफाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड किससे ले रहे होते हैं? डेड और डिकेइंग प्लांट्स, जो रोटन लीव्स हो सकती हैं, डिकेइंग एनिमल्स बॉडी हो सकते हैं, या फिर उनके ऑर्गेनिक मटेरियल हो सकते हैं कुछ, ठीक है? ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। कुछ फंगी,
जैसे मशरूम है, मोल्ड्स हैं, यीस्ट है, ये तीनों फंगी के एग्जाम्पल हैं। एंड मैनी बैक्टीरियाज आर सेप्रोफाइट, कुछ फंगी और बैक्टीरिया आपके सेप्रोफाइट्स होते हैं, जैसे मशरूम और मोल्ड हुआ, यीस्ट हुआ, ये सारे आपके क्या हैं, फंगी के एग्जाम्पल हैं और कुछ आपके बैक्टीरियाज भी होते हैं, ठीक है। और एक चीज याद रखना बेटा, जो फंगी और बैक्टीरिया है एक काइंड ऑफ प्लांट ही है, एक तरीके से एक तरीके के प्लांट ही है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि हालांकि जब हम इनके किंगडम के बारे में पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल अलग है, बट फिर भी इनको ये प्लांट क्यों कह रहे हैं। हिंट मैं दे देती हूँ, सेल वॉल इसका रीजन हो सकता है। जरा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि क्यों इनको अ काइंड ऑफ प्लांट कहा। कमेंट सेक्शन मुझे देखना है कौन कौन इसका सही आंसर देता है। अगर आपने आंसर दिया इसका मतलब वीडियो में यहां तक पहुंचे हो। नेक्स्ट आ रहा है बेटा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है बेटा कि जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड कहां से, किसी अनदर बॉडी से, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर उसे ले रहा होता है, ठीक है। वो इनसाइड हो सकता है, आउटसाइड हो सकता है। अगर इन है तो इनसाइड आपका इन पैरासिटिज्म हो जाएगा, और बाहर है तो एक्सोपैरासिटिज्म हो जाएगा। पैरासाइट्स में क्या होते हैं बेटा, जिसके ऊपर ऑर्गेनिज्म रहेगा उसको होस्ट बोलेंगे, और जो रहेगा वो उसको गेस्ट बोलेंगे। वो जो पैरासाइट होगा वो आपका क्या होगा, गेस्ट होगा। एक तरीके से जैसे गेस्ट होस्ट होता है, उसी तरीके से जिसके ऊपर पैरासाइट रह रहा होगा उसको हम होस्ट बोलेंगे, ठीक। अ पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट। देन पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑब्जर्व्ड इन सेवरल फंगी, बैक्टीरिया, अ फ्यू प्लांट लाइक कैस्केटा जिसको आप अमरबेल भी बोलते हो, एंड सम अनदर एनिमल्स जस्ट लाइक पैरा प्लाज्मोडियम है, राउंड वॉर्म्स है, टेप वॉर्म है, लीचेस है, लीस है, टिक्स है, ठीक है। ये सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें आप पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। इनमें से कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू सॉल्व योर डाउट्स। नेक्स्ट इज होलोजोइक। मैंने आपको पहले भी बताया था होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है फीडिंग ऑन सॉलिड सॉलिड फूड। जो सॉलिड फूड का इनटेक करेंगे वो आपके प्लांट हो सकते हैं या एनिमल भी हो सकते हैं, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है बेटा, न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक द कॉम्प्लेक्स फूड ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू इट्स बॉडी। मतलब आपका जो फूड होगा वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल से बना होगा, और ये उसको बॉडी में ले जाने की प्रोसेस को इंजेशन बोलेंगे। फूड के इंजेशन के बाद ये उसको डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन करेंगे, और एब्जॉर्प्शन करके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेल तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें एग्जाम्पल आता है मैन आता है, कैट आता है, डॉग आता है, कैटल्स आता है, डियर आता है, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। चलिए न्यूट्रिशन इन प्लांट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। आपको वीडियो पसंद आया डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।